हेलो एवरीवन इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्रेनियल नर्व की क्लासिफिकेशन और उनके फंक्शनल कंपोनेंट्स देखिए एग्जाम में मैंने अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है जिसमें क्रेनियल नर्व की क्लासिफिकेशन पूछी हो और उनके फंक्शनल कंपोनेंट पूछे हो तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ बिकॉज एग्जाम में किसी एक क्रेनियल नर्व पे लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है देखिये जैसे इसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ वेगस नर्व तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है टेन मार्क्स का सिमिलरली इसमें पूछा गया है डिस्क्राइब फेशियल नर्व अंडर द फॉलोइंग हेडिंग फंक्शनल कॉम्पोनेंट कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अप्लाइड सो आपने देखा है जो हमारी जितने भी क्रेनियल नर्व्स हैं उनको इन्हीं तीन सब head हेडिंग्स में पूछा जाता है जनरली और लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो आपको फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स का आइडिया होना चाहिए कि फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स होते क्या हैं और आपको क्रेनियल नर्व का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं कितने टाइप्स की होती हैं सेंसरी होती है मोटर होती है मिक्सड होती है सो so, इस वीडियो में हम यही देखेंगे सो वी हैव ट्वेल्व पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो फर्स्ट टू पेयर होते हैं वो फोर ब्रेन से अराइज करते हैं और नेक्स्ट टेन पेयर कहाँ से अराइज करते हैं हमारी ब्रेन स्टेम से अब ये हैं हमारी ट्वेल्व पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स फर्स्ट पेयर ऑल्फैक्ट्री सेकेंड पेयर ऑप्टिक थर्ड पेयर ऑक्यूलोमोटर फोर्थ है हमारी ट्रॉक्लियर फिफ्थ ट्राइजेमाइनल एबड्यूसेंट सेवेंथ है फेशियल एट्थ है हमारी वेस्टिबुलर नाइन्थ है ग्लोसोफेरेंजियल टेंथ है वेगस इलेवेंथ है एसेसरी एंड ट्वेल्थ है हाइपोग्लोसल आपको फेशियल नर्व और वेगस नव तो याद करनी ही करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेशियल नव एंड वेगस नर्व अब हम आ जाते हैं अपनी क्रेनियन नर्व की क्लासिफिकेशन पे देखिए क्रेनियल नर्व ऑन द बेसिस ऑफ कि उसमें फाइबर्स कौन से हैं तीन टाइप की हो सकती है मोटर नर्व सेंसरी नर्व और मिक्स्ड नर्व अगर किसी क्रेनियल नर्व में सिर्फ मोटर फाइबर्स प्रेजेंट हैं तो हम उसको मोटर नर्व बोल देते हैं किसी क्रेनियल नर्व में सिर्फ सेंसरी फाइबर हैं तो हम उसको सेंसरी नर्व बोल देते हैं और ऐसे ही अगर किसी क्रेनियल नर्व में सेंसरी भी फाइबर्स है भी हैं और मोटर फाइबर्स भी हैं तो हम उस नर्व को बोल देंगे मिक्स्ड नर्व अब फेशियल नर्व और वेगस नर्व इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये मिक्स्ड नर्व है मोस्टली तो क्वेश्चन जो आता है वो मिक्सड नर्व से ही पूछा जाता है फिफ्थ नंबर की हमारी ट्राइजमाइनल सेवन्थ नंबर की हमारी फेशियल नाइन्थ नंबर की हमारी ग्लोसोफेरेंजल एंड टेंथ नंबर की हमारी वेगस अगर आप सारी क्रेनियल नर्व नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो ये फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व्स और इनमें भी फेशियल और वेगस अल्ट्रा इंपॉर्टेंट होती है हमारी मिक्सड नर्व और सेंसरी कौन सी है फर्स्ट सेकेंड एंड एट्थ तो वन टू एट नंबर की हमारी सेंसरी है फाइव सेवन नाइन टेन हमारी कौन सी है मिक्सड और बाकी बची क्या होती है हमारी मोटर होती है तो हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है क्रेनियल नर्व्स का नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ क्रेनियल नर्व अब फंक्शनल कंपोनेंट मतलब क्या होता है देखिए फंक्शनल कंपोनेंट सिंपली मतलब होता है टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स अभी हमने पढ़ा है क्रेनियल नर्व ब्रॉडली कितने टाइप्स के नर्व फाइबर्स होते हैं मोटर नर्व फाइबर और सेंसरी नर्व फाइबर बट ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं मोटर फाइबर्स फर्दर तीन टाइप के होते हैं जनरल सोमेटिक इफरेंट फाइबर स्पेशल विसरल इफरेंट फाइबर्स जनरल विसरल इफरेंट फाइबर्स और जो हमारे सेंसरी फाइबर्स होते हैं वो फर्दर चार टाइप्स के होते हैं जनरल सोमेटिक एफरेंट फाइबर्स जनरल विसरल एफरेंट फाइबर्स स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स एंड स्पेशल सोमेटिक एफरेंट फाइबर्स अब हम इनके नाम कैसे याद रखेंगे देखिए बहुत इजी तरीका है नाम याद रखने का आपको इससे नाम याद हो जाएंगे जो हमारी क्रेनियल नर्व फाइबर्स हैं ब्रॉडली मोटर नर्व फाइबर और सेंसरी नर्व फाइबर मोटर नर्व फाइबर को हम ईफ्रेंट फाइबर भी बोलते हैं और सेंसरी नर्व फाइबर को हम ए फाइबर भी बोलते हैं सेंसरी क्या करता है हमारी इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है ब्रेन में सो so, आता है तो ए फाइबर अब जो मोटर फाइबर होंगे वो फर्दर दो टाइप्स के होंगे अगर वो हमारे सोमैटिक स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेंगे तो सोमैटिक फाइबर्स हो जाएंगे और अगर हमारे विसरल स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेंगे तो विसरल हो जाएंगे सिमिलरली अगर हमारी सेंसेशंस सोमैटिक स्ट्रक्चर से जाएगी तो वो सोमैटिक सेंसरी फाइबर्स हो जाएंगे अगर हमारी सेंसेशन विसरल स्ट्रक्चर से जाएगी तो वो विसरल सेंसरी हो जाएंगे अब जो सोमैटिक होते हैं वो फर्दर जनरल होते हैं जनरल सोमेटिक मोटर फाइबर्स मिलेंगे आपको लेकिन विसरल में आपको दो टाइप्स के मिल सकते हैं जनरल विसरल इफरेंट फाइबर्स स्पेशल विसरल इफरेंट फाइबर्स सो मोटर जो फाइबर्स हैं वो तीन टाइप के हैं जनरल सोमेटिक इफरेंट फाइबर्स जनरल विसरल इफ्रेंट फाइबर्स एंड स्पेशल विसरल इफरेंट फाइबर्स देखिए यही तो नाम पढ़े हमने जनरल सोमेटिक इफरेंट फाइबर्स स्पेशल विसरल इफरेंट फाइबर्स एंड जनरल इफरेंट फाइबर्स अब ऐसे ही सेंसरी में चार टाइप्स के होते हैं जनरल सोमेटिक एफरेंट फाइबर्स स्पेशल सोमेटिक एफरेंट फाइबर्स जनरल विसरल एफरेंट फाइबर्स एंड स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स आप देख सकते हैं यही हमने सेम चार पढ़े हैं सो so, अब हम देखते हैं पर्टिकुलर नर्व फाइबर के बारे में सो so, हमारे जनरल सोमेटिक इफरेंट फाइबर्स किसको सप्लाई करते हैं स्ट्राइटेड मसल विच डेवलप फ्रॉम सुमाइट्स मतलब सिंपली ये वॉलन्ट्री मसल्स को सप्लाई करते हैं अब हम पढ़ेंगे जनरल विसरल इफरेंट फाइबर्स जनरल विसरल इफरेंट फाइबर्स सप्लाई करेंगे ग्लैंड को स्मूथ मसल्स ऑफ विसरा को वेसल्स को और ये क्या होते हैं प्री गैंगलियोनिक पैरासिंपेथेटिक फाइबर्स भी जनरल विसरल इफरेंट फाइबर्स ही होते हैं अब स्पेशल विसरल इफरेंट फाइबर्स में स्पेशलिटी क्या है ये सप्लाई करते हैं उन मसल्स को जो डेवलप करती हैं मिजोडम ऑफ फेरेंजल आर्चिस से देखिए आपको ये अंदर वाला पोर्शन याद रहे ना रहे बट आपको जो मेन फाइबर्स के नाम है ये अच्छे से याद होने चाहिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेंसरी फाइबर्स के सो जनरल सोमैटिक एफरेंट फाइबर्स क्या कैरी करेंगे जनरल सेंसेशन ऑफ पेन टेम्परेचर फ्रॉम स्किन है ना और सिमिलरली जनरल विसरल एफरेंट फाइबर्स क्या कैरी करेंगे जनरल सेंसेशन ऑफ डिस्टेंशन एंड स्कीमिक पेन फ्रॉम विसरा अब स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स क्या करेंगे स्पेशल सेंसेशन कैरी करेंगे और कौन सी स्पेशल सेंसेशन करेंगे टेस्ट की फ्रॉम टंग और स्पेशल सोमैटिक एफरेंट फाइबर्स करेंगे स्पेशल सेंसेशन ऑफ स्मेल हियरिंग एंड बैलेंस सो दिस कंप्लीट्स आवर वीडियो ऑफ क्रेनियल नर्व क्लासिफिकेशन एंड देयर फंक्शनल कॉम्पोनी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट हुआ है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसमें आप उसको ज्वाइन कीजिए उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे थैंक यू